बारा पुलिस ने महत्वपूर्ण कार्यवाही करते हुए 2.5 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक बारा राजकुमार चौधरी ने बताया कि फरियादी ने एक तहरीर रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि समय करीब 4 से 5 बजे की बात है, मैं मेरे घर पर सो रहा था। मेरी पत्नी मार्केट में गई हुई थी। मेरी बच्ची जिसकी उम्र 2 से 3 साल की है, जो सोनू पुत्र बाबूलाल के घर पर थी, इसी समय मेरा भाई मेरे घर पर आया। उसने बताया कि तेरी बच्ची रो रही है, जिसके चोट लगी हुई है। उसके बाद मेरी बहन गोद में उठाकर मेरे घर पर लाई। फिर मैं और मेरी बहन मेरी बच्ची को लेकर गांव के डॉक्टर के पास पहुंचे। उसने हमें अस्पताल में जाने को कहा। फिर वहां से हम भाई बहन मेरी बच्ची को लेकर अंता अस्पताल आए, जिसके गुप्तांगों से ब्लड निकल रहा था। इसके साथ सोनू पुत्र बाबूलाल ने दुष्कर्म किया है और रिपोर्ट पर कार्यवाही करें। इस वाली पर 11 मई 2023 को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 2.5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म होने की सूचना थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न टीमों का गठन किया गया, जिसमें सीओ अंता, एसएचओ अंता, सीस वाली और मांगरोल के नेतृत्व में, साथ ही साइबर एक्सपर्ट सत्येंद्र के नेतृत्व में टीमों का गठन करके नामजद आरोपी की तलाश करवाई गई। बालिका का प्राथमिक उपचार अंता में करवाया जाकर मेडिकल बोर्ड से यौन उत्पीड़न संबंधी मेडिकल मुआयना करवाया गया। कोटा से एफएसएल टीम बुलवाई गई, साथ ही डॉग स्क्वाड बुलवाया गया। घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन किए गए और अनुसंधान के पश्चात मुलजिम सोनू बंजारा को गिरफ्तार किया गया है और उसको आगामी तफ्तीश के लिए पीसी रिमांड लिया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।